सभी गुरु चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं तो शिव की पूजा करती हूँ और जानती हूँ कि शिव मेरे भगवान हैं, देवता हैं, गुरु हैं। लेकिन इस शिव चर्चा के विषय में मुझे बहुत जिज्ञासा है कि यह कब से शुरू हुई, मैं जानना चाहती हूँ आपसे। जी नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम है। जैसा कि आपने भी कहा कि मैं पूजा पाठ तो सदियों से करता आया हूँ, कर रहा हूँ, उम्र बीत गई, बचपन में जन्म लिए, मम्मी पापा के प्यार में खेले, पढ़े लिखे, जब थोड़ी मेरी उम्र बढ़ी पारिवारिक बंधन में बंध गए, और पारिवारिक बंधन में बंधने के बाद हमारे पूर्वजों ने जिस पंडित पुरोहित को, जिस भगवान को कहा कि ये भगवान है, मैंने उनको पूजा किया, जिनको कहा कि ये गुरु हैं, उनको मैंने गुरु बना लिया। स्थिति ऐसी आ गई धीरे धीरे कि आज हमारे आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाएँ दुर्घटनाएँ हुए जो कि हमारे आपका मन टूटने चला। जिस घर को मैंने अपना समझा, उसी घर के लोग ने कहा जब मेरी उम्र बीत जाने के बाद तूने मेरे लिए क्या किया। सच्चाई स्थिति जो हमारे घर की परिस्थिति है, सच्चाई आज मेरे जीवन में, मैं बालपन में आया, फिर जवानी में आया, तो मैं ऐसा ही सब दिन नहीं रह जाऊंगा। स्थिति कही जाती है ना कि चली जा रही है उम्र धीरे 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 धीरे, पता भी नहीं चलता है और उम्र चला जाता है। आइए, आपका एक प्रश्न है कि यह शिव चर्चा शुरू कब से हुई। भगवान शिव के बारे में सदियों से मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लोगों ने जाना, मगर एक बार की ऐसी घटना है, ऐसे समय स्थिति परिस्थिति आई, साहब श्री हरिंद्रानंद जी का नाम जो आप हर जगह सुनते हैं, हर जगह फोटो में देखते हैं, वह साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म सिवान जिला के अमलोरी गांव में, सिवान जिला के अपने जो बिहार में जो 38 जिले हैं, उस 38 जिला में एक सिवान जिला है, और उस सिवान जिला में साहब का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को हुआ था, दिन रविवार था। 31 अक्टूबर 1948 दिन रविवार। माता जी का नाम राधा और पिताजी का नाम विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा। उनके घर में बड़े पुत्र के रूप में उनका जन्म होता है, और जन्म होने के बाद बालपन धीरे धीरे गुजरती चली गई। उनके पिताजी बहुत बड़े पदाधिकारी शिक्षा विभाग में थे, और उन्होंने धीरे धीरे अपनी ट्रांसफ़र के साथ साथ अपने बच्चों को साथ में चलना, फैमिली को साथ में चलना, और चलते थे, हर जगह अपना कार्य करते थे, और उसी बीच में साहब श्री भी धीरे धीरे सियाने होते चले। उनके मन में एक जिज्ञासा आई, साहब के पिताजी कहा करते थे कि मलकिनी महादेव परमात्मा होते हैं, परमात्मा शिव को कहते हैं, शिव को सभी लोग कहते हैं कि परमात्मा शिव को कहते हैं, उसी शिव को मैं जानता हूँ। साहब ने उस समय नहीं जानते थे कि गुरु शिव ही हैं, नहीं पता था उनको कि गुरु क्या है, वो तो भगवान जैसे माँ बाप ने सिखलाए थे वैसे वो कहते थे कि भगवान शिव गुरु हैं, शिव हैं, गुरु नहीं है। शारीरिक गुरु को उन्होंने न जाने कितने गुरु को गुरु बनाए, मगर मन रास नहीं आया। भटकते 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 कोई ऐसे खोज के तलाश में हम लोग चलते हैं, जैसे हमारे आपके घर में कोई ऐसा सामान घर में छुप जाता है और मिलता नहीं है, हम लोग भूल जाते हैं, छोड़ो हटाओ तो सामान है नहीं, क्या करूं, वो भूल गए। जब दिवाली का दिन आता है, जब घर का पूरा सफाई होता है, साफ सफाई में जब कचरों में से जब निकलता है, तो अरे 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 एकरे तब खोजत नहीं, कितना दिन से हमारा के भुलाइल रहे। साहब के भी मन में ऐसा ही आया कि भाई क्या करूं, हार गए, हार करके मन में आ करके और हताशा निराशा, आरा के गांगी शमशान में 1974 में एक ऐसी उनके साथ घटना घटी कि वह प्रेत ने शिव के रूप में धारण करके उनको ज्ञान सिखाया करता था और बताया करता था। साहब भी रात्रि में उठ करके मम्मी पापा से लुक लुका करके और शमशान में जाया करते थे और वहाँ सीखते थे, जो भी सिखाए वह परमात्मा ने रूप में जो भी सिखाए। एक दिन की घटना है कि वहाँ पर इनको लगा कि यह गुरु नहीं है, ये जरूर कोई बहुरूपिया है, और उन्होंने कह डाला, जब मेरा आपका जब कहते हैं ना दूध से मुंह जला तो मट्ठा भी फूक के पीना पड़ता है, जब सारे गुरु से थक हार गए थे तब सोचे कि चलो परमात्मा का गुरु बना लेते, उसी दिन उन्होंने सोचा कि यह प्रेत शिव के रूप में हमें सिखा रहा था और सही में अपना रूप दिखाई दिया, अब से मैं कान पकड़ता हूँ, अब मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। और वह बचपन का श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था उस समय,
कि गुरुड़ ब्रह्मा, गुरुड़ विष्णु, गुरुड़ देवो महेश्वर, गुरुड़ साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। साहब के मन में यह श्लोक आती है और उसी समय संकल्प लेते हैं, और तीन संकल्प लेते हैं। पहला संकल्प लेते हैं कि अब इतने लोगों से मैंने धोखा खाया, अब आप शरीर में आइएगा तो हम कहियो आपको गुरु नहीं बनाएंगे। दूसरा संकल्प लिया कि अब जितना मैं पूजा पाठ जप तप जो भी मैं किया हूँ अब मैं नहीं करूँगा। तीसरा संकल्प लिया कि अगर आप गुरु हैं तो मेरे मन को समझाइए, और मेरे मन को समझाइए। साहब ने उस दिन से स्वीकार कर लिया, मान लिया शिव ही मेरा गुरु है और वह रहेगा चाहे अब जो हो जाए। नहीं होता है हार जाने के बाद, जब चाहे जो हो जाए, जो होना होना होगा होगा, महादेव को मैंने गुरु बनाया। सन 1974 के नवंबर महीना में साहब ने आरा के गांगी शमशान में शिव को अपना गुरु बनाए, और कभी किसी को नहीं कहे कि वो मेरा गुरु है। मन में दबा के रखे थे क्योंकि वो खुद जानते थे कि मैं खुद हारा हूँ, थका हूँ, हार करके निराश होकर के मैंने गुरु बनाया हूँ, क्या किसी को बताने जाऊँ। मगर विगत महीना बीतते गई, महीना बीतते बीतते साल लगे, साल सन 1975 ईस्वी आए। सन 1975 ईस्वी में यही मुजफ्फरपुर जिला के तुर्की टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हमारा आपका है, जो पटना और मुजफ्फरपुर के बीच में आपका 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है वो तुर्की। उस तुर्की के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में उनके पिताजी प्रिंसिपल के पद पे स्थापित थे सन 1975 में। वो अपने क्वार्टर में बैठे थे, शाम का बेला था, माँ आंगन में किचन में खाना बना रही थी, वो बाहर बैठे कुछ सोच रहे थे या गुनगुना रहे थे। एक हाथ में चाबी का गुच्छा था और यूं ही नचा रहे थे, बैठे थे कुर्सी पे। अचानक उनके मन पे, सांसों पे नमः आया और शिवाय में उतर गया, नमः आया और शिवाय में उतर गया। अकचका के वह साहब ने कहा कि अरे अरे एकरे तक खोजत रही जे हमारा के मिल गई। माता जी आवाज़ सुनी और बोली कि बबुआ का भूल आयल रहे, का मिल गई। साहब आवाज़ देते हैं, माई चाभी गिरल रहे, चाभी मिल गई। सच्चाई आज स्थिति है बहन कि आज वो अध्यात्म की चाभी साहब श्री हरिंद्रानंद जी को यही मुजफ्फरपुर जिला के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज तुर्की में मिला, और सन 1975 में उन्होंने अपना नमः शिवाय मंत्र उनको महादेव ने दिया। ठीक साल भर के बाद, साल भर पहले उन्होंने गुरु बनाया और उसके बाद उन्होंने अपना नमः शिवाय प्राप्त हुआ। फिर भी वो किसी को नहीं बताए, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे रहे। परमात्मा की दया हुई, परमात्मा तो अपने शिष्य के लिए क्या नहीं करते, वो बहुत कुछ करते। धीरे 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 उनकी पढ़ाई आगे की ओर बढ़ती चली गई, और फर्स्ट बार उन्होंने वीडियो बन करके झारखंड में, उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, अलग था नहीं, और मनातू जिला के जिला है, मनातू जिला में उन्होंने वीडियो बन करके पद स्थापित लिए। और फिर अपने नौकरी में आए तो सारे काम को छोड़ करके अपने महादेव को तो गुरु बनाए ही थे, मन में था ही था कि वो मेरा गुरु महादेव है, और उन्होंने अपना ड्यूटी किए। स्थितियाँ आई कि साहब ने कहते हैं कि अच्छों के साथ अगर दोस्ती करिएगा ना और उससे छोड़ दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मगर बूढ़े व्यक्ति के साथ दोस्ती करके अगर छोड़ दीजिएगा तो आपको बहुत कुछ करेगा। तो उसी तरह से उन्होंने साहब जो शमशानों में जब जाया करते थे तो वहाँ के कुछ बूढ़ी आत्माएँ उनको परेशान किया करता था, फिर भी साहब ने कहा शिव मेरा गुरु हैं, मैंने शिव को गुरु बनाया है, और उन्होंने अपना कार्य को करता रहा। आते हैं सन 1982 ईस्वी, और 1982 ईस्वी में साहब का वहाँ से तबादला करके सीधे मध्यपुरा में भेज देता है वीडियो के पद पे। और उन्होंने आए यहाँ के लोगों से जब मिले, क्योंकि कुछ सालों पहले यहाँ भी उनके पिताजी रह चुके थे, सहरसा मध्यपुरा के शमशान में भी जाया करते थे, तो उनके बचपन के साथी कहा कि सुने हैं कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी मध्यपुरा में वीडियो बन करके आए हैं, चलो चल करके मिलते हैं। कुछ लोगों ने उनके साथ मिले, अच्छा लगा। साहब ने पूछा, अरे बचपन में हम लोग जाते थे शमशान, क्या आज भी आप लोग शमशान जाते हैं? तो बोले कि जी अभी भी जाए छिए महादेव शमशान में, जो भी हम लोग करते हैं। साहब के मुख से आवाज़ आई, छोड़ो शिव शमशान की साधना, शिव को अपना गुरु बना लो।
छोड़ो शमशान की साधना, शिव को अपना गुरु बना लो, क्योंकि उन्होंने 74 में माना था, किसी को बताया नहीं था। कुछ लोग उनके जो दोस्त यार फैमिली मेंबर के जो होते हैं, बूझते हैं कि अरे क्या बोलेंगे, वो तो हम जानते ही हैं कि महादेव जगत के गुरु हैं, ये नई कौन बात बता रहे हैं। तो साहब के मन में आया कि मैंने तो शिव को गुरु बनाया, और बनाने के बाद सबसे पहले अपनी पत्नी को बताया, और पत्नी वहाँ है, हम यहाँ है, इसको कैसे पता चला? अगर मैं यहाँ जो कर रहा हूँ और लोगों को ना बताऊँ, इनको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि जी किताब में लिखल छे महादेव जगत गुरु छथिन। साहब ने कहा कि ठीक है, लाइब्रेरी से किताब मंगवाए, देखे तो सच में लिखा है कि शिव जगत के गुरु है। तब साहब ने सोचा कि इतना दिन से हम ही को पता नहीं था, पूरा दुनिया को मालूम है कि शिव गुरु है, तो जब मालूम है साहब कि शिव गुरु है तो मानते क्यों नहीं है, शिव को गुरु बना लिया जाए। और उसी समय से लोगों ने कुछ कहा, कुछ माना, क्योंकि शुरुआती दौर किसी भी काम को करने चलेंगे तो कष्ट होगी। और यह मध्यपुरा जिला से शिव की शिष्यता शुरू हुई। सिंहेश्वर स्थान में साहब को कहा कि आप महादेव को मिठाई खिलाते हैं, तो चलिए आप महादेव को मिठाई सिंहेश्वर स्थान मंदिर में खिलाइए। साहब भी कहे कि ठीक है, मैं चलूँगा। ये सन 1982 ईस्वी की घटना है, और सन 1982 में साहब ने महादेव को सिंहेश्वर स्थान में मिठाई भी खिलाया, जिनका कि दुनिया देखने वाला जी उस समय के लोग जो देखे, और उसी दिन से सारे लोग ने माना और स्वीकार किया कि सच में साहब श्री हरिंद्रानंद जी आज महादेव को गुरु बना करके मेरे जीवन में धन्य हैं। मैं उनको बार बार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ कि अगर साहब नहीं होते तो आज हमको आपको पता नहीं होता। किताबों के पन्नों में तो महादेव हैं, किताबों के पन्ने में सिमटे हुए हैं, मगर पूरे जनमानस में अगर कोई बताने का काम किए हैं तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलामानंद जी उनका पग पग पे साथ दिए हैं। और साथ दे करके सन 1982 ईस्वी से 1990 तक साहब ने किसी को नहीं कहा, क्योंकि हर जगह धोखा, हर जगह ठेस खाने के बाद, चोट खाने के बाद लगता था मैं तो फंस गया हूँ, लोगों को क्या बताऊँ। मगर साहब को 1986 ईस्वी में बेगूसराय में सुबह का वेला में एक मैसेज आती है, एक संदेश आती है, हवाओं में आती है, एक आवाज़ अचानक सा, कहीं आप रहिएगा तो लगेगा कोई बाहर से बोल रहा है, आवाज़ आती है, हरिंद्र जो तुम करते हो लोगों को बताओ, हरिंद्र लोगों को बताओ। साहब ने कहना शुरू कर दिया कि जब शिवे का आदेश आए, साहब ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि आपको गुरु बनाए, कैसे मैं कह सकता हूँ, ये आसान काम तो नहीं है। तो साहब का आदेश ही आया कि हरिंद्र जो तुम करते हो लोगों को बताओ, क्योंकि साहब को आदेश मिल गई साहब शिव से, और आज उसी बातों को लेकर के आज तमाम गुरु भाई गुरु बहन साहब की अधूरी बात जो तीन सूत्र है जो हम आप सुनते हैं कि प्रथम सूत्र में दया मांगना है, दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, और तीसरा सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करना है, इन्हीं बातों को लेकर के आज तमाम हर गांव हर शहर में यह बात कहने का मेरा काम है। मैं तो कह दूंगा, मानना न मानना, करना न करना, यह तो आपका काम है। जिसके जीवन में बीमारियां आएंगी वो तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर ये बड़ी बड़ी बीमारियां का अगर उपाय मिल जाए, कोई कह दे कि अरे इतनी बड़ी बीमारी है, इसकी दवाई तो मात्र 5 रुपये में मिलता है, तो क्या हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। पूरे जगत में, पूरे संसार में आज तक किसी ने नहीं बताया था, कोई नहीं कहा था कि आप शिव को गुरु बना लीजिए। और आज पूरे या भारतवर्ष की या देशों और विदेशों में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने यार अलख जगाया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक उस महादेव का काम करता रहूँगा। हम आप भी उनके संकल्प में संकल्पित हो जाएं और उस महादेव का काम करें। इन्हीं चंदवाणी के साथ आप तमाम भाई बहनों का मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। कहने को तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, मगर मैं नहीं जानता जितना साहब ने हम सबों को बतलाया है, सिखलाया है। इन्हीं चंदवाणी के साथ मैं साहब का संदेश हमेशा लोगों को बताता रहूँगा। आप सभी को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।